तो मुंबई को देश का सबसे पैसे वाला, सबसे रफ टफ शहर माना जाता है। लेकिन ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले मुंबई के लोगों की जिंदगी क्या हर वक्त दांव पर लगी हुई है? क्या मुंबई आग पर बैठी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मुंबई की एक और बिल्डिंग में आग लगी है जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। ये हादसा मुंबई के चेंबूर में तिलक नगर की सरगम सोसाइटी में हुआ, जहां 16 मंजिला बिल्डिंग है। इसके 11वें फ्लोर पर आग लगी है और फिर 12वें फ्लोर को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कल रात 7:45 ये वाकया घटा। फायर ब्रिगेड ने कॉल मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक बिल्डिंग में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर लोग खुद ही अपने फ्लैट छोड़कर बिल्डिंग के नीचे आ चुके थे, लेकिन 11वीं मंजिल और 15वीं मंजिल के लोग ऊपर ही फंस गए। उन्हें फायर ब्रिगेड आने के बाद निकाला गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगाई गई, तब कहीं जाकर रात में आग पर काबू पाया जा सका। बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर 3 फ्लैट्स हैं। इन्हीं में लोगों की मौत हुई है। मरने वाले 5 लोगों में से 4 बुजुर्ग भी हैं। चारों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। माना यह जा रहा है कि चारों तरफ आग से घिरने के बाद जो धुआं आया उसकी वजह से दम घुटने से इन चारों की मौत हो गई। पूरे घर के अंदर धुआं भर गया था, तो फिर मैंने डोर खोला था, धुएं का बहुत बड़ा लोड आ गया अंदर, पूरा के अंदर। वो मतलब समझो कि 1% विजिबिलिटी रहेगी, तभी पूरा ब्लैक धुआं। उसके बाद संभव मैंने किसी भी हालत निकल के टेरेस के मार्फत, मतलब ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टू एस्केप देयर। सर, जिसके घर पे आग लगी हुई थी वो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे खड़े थे और उन्होंने सबको इतला किया था कि हमारे घर पे शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी, तो उन्होंने बुझाने की कोशिश की है, लेकिन बुझा नहीं पाए करके उन्होंने आजू बाजू को इतला करके फटाफट नीचे आए। जो व्हाट्सएप ग्रुप है सरगम सोसाइटी, उसमें बहुत सारे मैसेजेस आने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आ क्यों, तो मैंने वो रीड किए, तो मैसेजेस में क्लियरली लिखा था फायर इज ऑन 10th फ्लोर, 11th फ्लोर, प्लीज गो डाउन और गो टू द टेरेस। तो मैं बाहर निकली तो बाहर अंधेरा था, फिर मैं स्टेयरकेस से मोबाइल की लाइट दे के 7th फ्लोर से मैं नीचे उतर के आ गई। 7:45 के करीबन ये कॉल कंट्रोल रूम का मैसेज मिला। 8:00 में लेवल 3, जिसको आगे बढ़ा लेवल 3 डिक्लेयर किया गया। ये ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो बी विंग। तो 11 महले में वो आग थी, वहाँ पे 1103 और 4, ये जो कंबाइंड फ्लैट से दो हमें जो मैंने इंजर्ड पर्सन, वो जो बर्न इंजरी थे वो मिलाए थे, उनको हमने हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भेजे हैं। तो मुंबई में 10 दिन के भीतर आग लगने का ये दूसरा हादसा है। पता चला है कि 11वें फ्लोर पर एक फ्लैट में क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाया था और उसी वायर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग बिजली के तारों से होती हुई पहले पूरे फ्लैट में फैल गई और फिर उसके बाद आसपास के और ऊपर के फ्लोर तक पहुंच गई। 5 जाने गई हैं, इसके अलावा 2 घायल हुए। हालांकि आग से गैस सिलेंडर फटने या फिर एसी ब्लास्ट होने की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। शुरुआती जांच में बिल्डर की लापरवाही भी सामने आई है। बिल्डिंग का फायर फाइटिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल था। आग बुझाने के लिए सिर्फ 2 सिलेंडर चालू हालत में थे। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के पास उनके पास जो है सर्टिफिकेट्स भी नहीं थे जो जरूरी थे। फायर ऑडिट भी वहां का नहीं हुआ था। बेतरतीब पार्किंग की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी बिल्डिंग तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बने हैं ना, वाकई में एकदम घटिया है। पुलिस कंप्लेंट किया है, फायर को कंप्लेंट किया है, लेकिन कोई भी इस पे ध्यान नहीं देते। और ये एक कंप्लेंट नहीं है, तिलक नगर में आप देखोगे बहुत सारे कंप्लेंट है। गाड़ी यहाँ पे स्टक हो गई है, अगर समझिए एक्सेस होता, प्रॉपर एक्सेस होता तो और गाड़ियां अंदर आती, आग बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते थे हम लोग। तो 10 दिन के भीतर दूसरी बड़ी आग है ये, और दोनों में ही एक वजह है जो सामने आई है, लापरवाही। 17 दिसंबर को मुंबई के अंधेरी में कामगार अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, और अब कल शाम आग लगी। इसमें चेंबूर के सरगम सोसाइटी में 4 बुजुर्गों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। 2 बुजुर्गों की उम्र 70 साल से ऊपर थी और 2 80 से भी ज्यादा के थे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सहयोगी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त अंकुर त्यागी जुड़े हुए हैं, उनसे हम सबसे पहले अपडेट ले लेते हैं। अंकुर, आप अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर घायलों को भर्ती किया गया है, क्या अपडेट है वहां पर?
अब देखिए, इस पूरे मामले में 5 लोगों की डेथ हुई है और 2 लोग जो हैं वो घायल थे, 2 जो घायल थे उनका इलाज करके उनको घर भेज दिया गया है। लेकिन जो 5 डेथ हुई हैं, अगर इसको एनालाइज किया जाए तो 3 डेथ ऐसी हैं जो सफोकेशन की वजह से हुई हैं, जबकि जो 2 डेथ हुई हैं वो जलने की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो यहाँ पर देखना जो होगा, हमने इससे पहले जब MIDC में आग लगी थी तब भी हमने देखा था, तो जो अधिकतर मौतें हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ सफोकेशन की वजह से हुई थी। ये जो टेक्निकल जो खामी होती है बिल्डिंग को बनाते वक्त या उसके रेनोवेशन के टाइम पे, कि वहां पर एक्सेस नहीं हो पाता है, और ये सबसे बड़ी वजह होती है। बिल्कुल, और एहसन अब्बास भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो वहां बिल्डिंग के पास मौजूद हैं जहां पर ये आग लगी थी। एहसन, फिलहाल क्या सिचुएशन है और अब जब सब कुछ काबू कर लिया गया है वहां पर, जाहिर तौर पर यह चर्चा हो रही होगी कि क्या जरूरी सर्टिफिकेट नहीं थे और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी बिल्कुल, इस बिल्डिंग को ना ही तो OC था और ना ही फायर इक्विपमेंट से ये इक्विप्ड थी। मेरे साथ खुद इस वक्त मौजूद है विपिन महेश्वरी साहब, जो इस इमारत में रहते हैं 10वें फ्लोर पर। विपिन जी, ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 5 लोगों का दुखद मौत। सिर्फ बिल्डर, उसने ये कुछ भी फायर का नहीं किया है, इसके लिए सिर्फ बिल्डर ही जिम्मेदार है। तो फायर का लाइन डाला ही नहीं है उसने। अगर फायर का लाइन होता तो फायर वाले तुरंत कंट्रोल कर लेते थे, तो शायद बच सकने का चांसेस ज्यादा था आदमी का। और आज शायद एक ही रूम में आग लगता था, बाकी 3 रूम से बच जाते थे। बिल्कुल, लोगों में बेहद गुस्सा है क्योंकि लगातार जो रहवासी हैं वो बिल्डर को लगातार ये रिमाइंड कर रहे थे कि ये फायर इक्विपमेंट से इक्विप्ड नहीं है बिल्डिंग, और ऐसे में इस तरह से हादसे से आखिर कैसे निपटा जाए। और आखिरकार वही हुआ, बीती रात आग लगी और जिस तरह से 11वीं मंजिल पर जो कुल 5 लोगों की इस आग में दुखद मौत हो गई है। शुक्रिया एहसन और अंकुर, आप दोनों का ये जानकारी देने के लिए।